तो धीरे धीरे इसको डिप करना, धीरे 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 अगर डिप करना इस पेपर को ना पानी में डुबा के इसको गीला करके ना आपको धीरे धीरे सैंड करना, सैंडिंग करना धीरे धीरे करना, ज़्यादा जोर से नहीं। एक चीज़ मेन है, अगर इसमें जब फिल्म में आप ऐसे पानी में डिप करते हो ना, डिप करने का टाइम अगर आपको पेपर में थोड़ा ही प्रॉब्लम आता ना तो ये फिल्म पूरा ख़राब हो जाता है। ये जितना मैं काट के निकालता हूँ वो फिल्म प्रॉपर ख़राब हो जाता है। सो गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज राहुल बैक इन द न्यू वीडियो। सो गाइस, आज का जो कंटेंट है ना काफ़ी धमाकेदार होने वाला है और काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने एक इंस्टा में मैंने बहुत टाइम पहले एक रील अपलोड किया था कारण फायर वाला। तो आप लोगों ने वीडियो देख के ना रील देख काफ़ी सारे लोग कमेंट किया था कि भाई फुल वीडियो यूट्यूब पे ला, फुल वीडियो। चलो मैं सोचा ना कि क्यों ना इसको लाया जाए। मैं सोचा नहीं था पहले इसको लाऊंगा बोल के, बट क्यों ना सोचा, पर जब हर चीज़ आप लोगों के साथ रिवील करता हूं, सब कुछ दिखाता हूं, तो ये क्यों ना दिखाऊं। तो इसलिए सोचा कि आज मैं दिखाऊंगा कैसे आप लोग कार्बन फाइबर कलर कर सकते घर में। और ये जो कार्बन फाइबर है ना, इसको हाइड्रोडिपिंग बोला जाता है, एक तरह का हाइड्रोडिपिंग होता है जो कि पानी में एक फिल्म का जरिए कलर होता है। तो कैसा कलर होता है, किस तरह का पोजर है, क्या क्या पेंट का सामान चाहिए, आपको क्या जरूरत है, इसके लिए मैं आपको सब वीडियो को दिखाऊंगा। वीडियो को ध्यान से देना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप करते हो आप लोगों को ना कुछ पार्ट मिस हो जाएगा, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैंने कैसे हाइड्रोडिपिंग किया। मुझे पता है आप, मैं बोलूँगा फिर भी आपको स्किप करो, क्या पता अभी कर रहे होगे, तो छोड़ो जैसा मर्जी आप लोग करो। मेरा दिखाने का काम, मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे हर चीज़ को किया जाता है, जैसे आज मैं बताऊंगा हाइड्रोडिपिंग कैसे किया जाता है। तो चलो बिना बकवास किए ना, बिना टाइम वेस्ट किए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मैंने आप देख सकते हो मेरा पीछे सुजुकी एक्सेस है, सुजुकी एक्सेस वन है, जिसका मैंने कुछ दिन पहले इसका मडगार्ड चेंज किया था, फ्रंट मडगार्ड पीला का लगा था। तो वीडियो अगर नहीं देखा था आई बटन पर लिंक करा हुआ देख लेना। अभी आज हम लोग क्या हाइड्रोडिपिंग करेंगे, इसमें कुछ कुछ चीज़ों को मुझे पसंद नहीं आ रहा था वो कलर, तो मैं आज मैं उसमें हाइड्रोडिपिंग करूँगा। कार्बन फाइबर जैसा होता है ना, कार्बन फाइबर जैसा छोटा छोटा बॉक्स में होता है, उस तरह का पेंट मैं इसमें करूँगा, जिसको बोला था हाइड्रोडिपिंग। तो मैं दिखा तो करूँगा पार्ट्स में हाइड्रोडिपिंग कार्बन फाइबर करूँगा, जिसका आप यहाँ पर देख सकते हो गाड़ी को मैंने खोल कर रखा है, पूरा आगे का हेडलाइट नहीं है और पीछे का सब पैनल खोल कर रखा है। और जो मैं कलर जिसको मैं हाइड्रोडिपिंग करूँगा ना, वो पीछे का ये पार्ट है जिसमें सूटकेस लिखा होता है, कुछ इस तरह का यहाँ पर लगा होता है, ठीक है। और ये क्रोम वाला, एंड ये जो क्रोम है ना, ये हेडलाइट में लगा होता है, ठीक है। जिसको भी मैं कार्बन फाइबर फिनिश कर दूंगा। तो इसके लिए ना हम लोग को क्या क्या सामान का ज़रूरत है, ये दोनों तो हो गया, जिसको मैं पेंट करूँगा हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। सामान थोड़ा महंगा आता है, ठीक है, और ये चीज़ करने में ना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं अभी करते करते ऑलमोस्ट 4-5 महीने हो चुका है, छोटे छोटे चीज़ों से मैंने अपना हाथ थोड़ा फ्री किया, तो अभी मैं सब कर सकता हूँ। और इसमें थोड़ा कॉस्टिंग भी ज़्यादा आता है। अगर आप लोग किसी को चाहिए रहेगा ना ऐसा हाइड्रोडिपिंग करके, तो मैं आपको करके दे सकता हूँ। जिससे मैं मुंबई में एक भेजा था, जिसको एंट्रोक में एंट्रोक का साइलेंसर मफलर, दो मफलर था, उसको मैं हाइड्रोडिपिंग करके भेजा था मुंबई में। तो आप लोग भी ऐसा कुछ चाहिए रहेगा तो मुझे बोल सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, जो पेंट है, पहले चलो मैं पेंट को दिखा लेता हूँ, इसके बाद बाकी बाद में बात करेंगे। तो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, ये 4 पेंट का डब्बा है और एक प्लास्टिक में फिल्म है। ये जो है ये हाइड्रोडिपिंग फिल्म है, ठीक है। इसमें वाटर में डिप करता है, इसको डिप करके मैं दिखाऊंगा सब कुछ। बट पहले आपको अगर कुछ इसको हाइड्रोडिपिंग करना है तो ये सब सामान आपको लेना पड़ेगा। ये 5 सामान मैं बता रहा हूँ पहले क्या क्या लेना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये पेंट, ठीक है। इसको क्लियर कोट बोला जाता है, पेंट होने के बाद इसको क्लियर कोट मारते हैं इसको पेंट का ऊपर, जबकि इसमें एक लेमिनेशन टाइप का होता है, एक प्रोटेक्शन होता है, जिसका जिसका कोड है आप देख सकते हो K1K, ठीक है। क्लियर कोड, ये पार्ट नंबर है, इसका मतलब कोड है ये पेंट का कोड, ये क्लियर कोड हो गया। ये पेंट का बाद मारना पड़ता है सब लास्ट में, ठीक है। और उसके बाद आता है ये ब्लैक कलर होता है, ठीक है, एस ब्लैक बोलता है इसको, जिसका कोड है 3109, इसका कोड है, देख सकते हो कोड 3109, ये पेंट का कोड है ये, ठीक है, ये चाहिए होगा आपको। एंड फिर आता है ये सरफेसर बोला जाता है इसको, इसको बेस कोड, मतलब कोई जगह ख़राब है उसको मेकअप करने के लिए सरफेस मारा जाता है कि स्मूथनेस हो ये पेंट का, मतलब जिसमें पेंट करो आप। इसका कोड है UC H210, ठीक है, ये इसका कोड है। कुछ इस तरह का सैम्बल मिला ऊपर में, ऐसे ये कलर में होता है, ठीक है, इसका कोड है ये सरफेसर UC H210। एंड आखिर में आता है ये एक्टिवेटर, इसको बोलते हैं एक्टिवेटर, जिसका कोड है WF05, ठीक है, ये इसका कोड है। ये एक्टिवेटर ना, इसको ये फिल्म को जब मैं पानी में वाटर में डिप करूँगा ना, मतलब डिप करने का पहले जब इसको पानी में डालूंगा, तो ये फिल्म को एक्टिवेट करने के लिए इसको मारा जाता है, ठीक है। मैं सब दिखाऊँगा किस तरह से मैं कर रहा हूँ। और लास्ट में चाहिए होगा ये फिल्म, ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पे WFP035 सिल्वर कार्बन फाइबर, ठीक है। फिल्म ना बहुत सारा पैटर्न में आता है, बहुत डिफरेंट पैटर्न में आता है, डॉलर का सिंबल में आता है, फिर कार्टून का स्केल का स्कल और कार्बन फाइबर, बहुत सारा पैटर्न में आता है। आप लोग देखना जिस तरह का आपको चाहिएगा, ऑनलाइन में मिलता है तो मैं सबका लिंक दे दूंगा अगर मिलता है तो, नहीं तो मैंने अपने लोकल से लिया है, ठीक है।
तो सबसे ज़रूरी बात इनका प्राइस का बात कर देता हूँ पहले। इसका प्राइस जो है ना, ये जो फिल्म का प्राइस अराउंड आपको 700 तक आएगा, ठीक है। एंड जो इसका एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर का प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है 439, यहाँ पे देख सकते हो आप 439 एक्टिवेटर का प्राइस है। सर्फेसर का प्राइस है 339, सर्फेसर का प्राइस 339। एंड ब्लैक कलर का प्राइस है 299, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 299। एंड क्लियर कोट का प्राइस है 339, ठीक है। ये एक चीज़ चाहिए होगा आप लोगों को, सीरीज सैंड पेपर, ठीक है। 400 नंबर, 400 नंबर का सैंड पेपर चाहिए होगा। मैंने यहाँ पे 150 नंबर के लिए है, यहाँ पे नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल है मिलना, तो मैंने 150 नंबर का लिया है। बट आप लोग ना 400 का लेना, 400 नंबर का, और सही है, बहुत अच्छा होता है। ये थोड़ा रफ है, वो 400 जो है ना बहुत पतला होता है, ठीक है। 400 लेना गाइस, 150 मत लेना। होप करता आप लोग समझ में आएगा आपको कार्बन फाइबर बनाने के लिए क्या क्या लेना पड़ेगा। ये पाँचों चीज़, फिल्म, एक्टिवेटर, सरफेस, ब्लैक और क्लियर कोट, ठीक है, ये चार चीज़। और ये ना, ये पेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। इसका मैं और आगे आने वाले वक्त में भी और वीडियो में और अच्छा अच्छा चीज़ लेके आऊँगा इस पेंट के लिए। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग का प्रोग्राम, जो कि हम लोग का सबसे पहला जो काम होना, सबसे फर्स्ट काम होगा, जो अपना पैनल है, उस पार्ट को ना हम लोगों को सैंड करना पड़ेगा, मतलब सैंड पेपर से घिसना पड़ेगा, ताकि थोड़ा सा रफ हो और पेंट पकड़ ले इसमें। क्योंकि अभी जब प्लेन है ना, तो इसमें पेंट पकड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर तुम आप सीरीज पेपर से, मतलब सैंड पेपर से घिस दो ना थोड़ा हल्का हल्का, तो क्या होता है, पेंट अच्छे से पकड़ता है। तो जब सबसे पहला काम हम लोग सैंड पेपर से, पेन पेपर से इसको रफ करते हैं। तो सैंडिंग के जाते हैं, इसको पानी में करना पड़ता है, मतलब पानी में, मतलब ये पेपर को ना, पेपर को पानी में डुबो डुबो करना पड़ता है, इसमें पानी लगा करना पड़ता है, ताकि पूरा स्मूथ रहे, पूरा रफ ना हो, ताकि मतलब अगर हाथ से छुओ ना तो पता चले कि ये पूरा मक्खन जैसा प्लेन है। लेकिन तो ऐसा ड्राई मारोगे ना तो मतलब बहुत रफ हो जाता है, हाथ में घिसता बहुत है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अभी। तो ना पहले फोल्ड करके ना, मैं पीस कर लेता हूँ, टुकड़ा कर लेता हूँ। अभी हो गया, इसको चार फोल्ड करूँगा, पानी से डुबा के इस पेपर को ना पानी में डुबा के इसको गीला करके ना आपको धीरे धीरे सैंड करना, सैंडिंग करना धीरे धीरे करना, ज़्यादा जोर से नहीं, इतना सैंड करना है हल्का सा रफ हो जाए और आप लोग इसमें पेंट मार पाओ। यहाँ पे सुजुकी लिखा था ना, सुजुकी में इसको निकाल दिया, इसमें अच्छा नहीं बैठेगा। पूरा अच्छा से सीरीज पेपर में सैंडिंग कर लेना बढ़िया से, ठीक है। तो अभी ये तो हो चुका है, दूसरा वाला भी मैं कर लेता हूँ, क्रोम वाला भी मैं कर लेता हूँ, एंड फिर आपको दिखाता हूँ क्या है। वैसे एक बात आपको बताना चाहूँगा, ये जो पेंट है ना, इसको आप जो फर्स्ट टाइम करोगे ना, इसमें आपको बहुत टाइम, मतलब बहुत बार फेलियर मिलेगा, बहुत फेल होना पड़ेगा, बहुत बार क्या होगा, बहुत फिल्म खराब होगा, आपका कलर ख़राब होगा, आपका इसको मतलब बहुत बहुत मतलब सीखना पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत। एक बार दो तीन बार करने के बाद धीरे धीरे आपको जब आएगा ना, तब जाके आपको क्लियर होगा। तो और ये जिस ये जो चीज़ है ना गाइस, कोई ऐसे डिटेल में बताएगा नहीं, आप पूरा यूट्यूब छान मान लो, कोई ऐसे डिटेल में बताया नहीं, तो मैं बता रहा हूँ। प्लीज़ यार गाइस, इतना इन्फॉर्मेंस देता हूँ आप लोग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट नहीं करते यार मेरे को। मैं देखा यार, मतलब आजकल ना मेरा वीडियोस इतना अच्छा नहीं जा रहा है, मतलब मैं देखा पता चला है धीरे धीरे, मतलब यूट्यूब से ना मेरा धीरे धीरे मन उठता जा रहा है, मतलब क्या हो रहा नहीं पता। इतना कोशिश करता है, इतना नया नया डिफरेंट में चीज़ें लाने की कोशिश करता आप लोग सामने पेश करता हूँ, फिर भी आप लोग मतलब इतना प्यार और सपोर्ट नहीं मिलता आप लोग तरफ से। यार प्लीज़ यार सपोर्ट करो यार, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करेगा ना तो मन नहीं करेगा और वीडियो बनाने का। तो इसे प्लीज़ सपोर्ट करो ऐसा, क्योंकि हर चीज़ मैं डिटेल में बताता आपको, हर एक चीज़ डिटेल में बताता हूँ, हर एक चीज़ का पर्दाफाश करता हूँ। जो जो बंदे ने किया उसको कोई बताता नहीं है उसके बारे में, मैं उस चीज़ को आप लोगों के सामने रिवील करता हूँ कैसे करना है, ऐसे करना है। इसलिए गाइस बोलता हूँ प्लीज़ यार, दिल से बोलो सपोर्ट करो, क्योंकि ये मेरा भी फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मेरा भी मतलब चलने के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए अगर आप लोग मेरा मेरे को सपोर्ट करोगे तो यूट्यूब से थोड़ा अर्निंग होगा, तो मुझे थोड़ा स्टेबिलिटी मिलेगा। नहीं तो यार मतलब धीरे धीरे क्या यूट्यूब छोड़ने का नौबत आ सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है फैमिली में, पता है आप लोग का जो जो मिडिल क्लास वाला है। तो चलो ये सब बात होता रहेगा, और प्लीज़ यार सपोर्ट करना। चलो इस ये क्रोम वाला पार्ट है, इसको मैं सेंड करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे प्रोसेस क्या है। तो भाई इसको भी है ना, अभी सीरीज करके सेंडिंग करके अभी उसको क्लियर कर दिया, मतलब सुखाने के लिए ना अभी रखना पड़ेगा धूप में इसको। जैसे कि ये पार्ट को भी मैंने सूखने छोड़ दिया, इसको भी सूखने के लिए छोड़ दिया थोड़ा देर के लिए। अच्छा पानी निकालने के बाद इसमें करूँगा पेंट, तो सूखने के बाद मैं आपको दिखाता आगे का प्रोसेस। A few moments later. So guys, सूखने के बाद ना अभी मैंने उसको ना वायर में लटका दिया,
ठीक है, दोनों को लटका दे ताकि मैं अभी इसमें स्प्रे करूँगा। स्प्रे कौन सा करूँगा, सरफेस वाला जो कि UC H210 है, उसको अप्लाई करूँगा। हल्का हल्का अप्लाई करूँगा, ज़्यादा नहीं, सरफेस है, ताकि जो अभी जितना भी मैंने सेंट से घिसा ना वो सब मेकअप हो जाए और पेंट को अच्छे से पकड़े। इसको पहले ना आपको सबसे पहले इसको शेक कर लेना है, ठीक है। किस तरह से शेक करना, नॉर्मली हम लोग ऐसे शेक करते हैं ना, ठीक है, मतलब पेंट को इस तरह से शेक करते हैं, बट आपको ऐसे नहीं करना है। इसको ना लाइक शिव जी का डमरू है ना, उस तरह से बजाना है, इस तरह से बजाना है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, अगर आप ऐसे ऐसे करते हैं, अप डाउन करते हो ना, इसके अंदर दो गोली है, ठीक है। गोली जाए क्या होता है, इसका अंदर नीडल है, उसमें उसमें लग के ना नीडल ख़राब हो जाता है, तब क्या होता है स्प्रे प्रॉपर नहीं निकलता, जाम हो जाता है। जिससे आपको इस तरीके से शेक करना है, इधर इधर ऐसे ऐसे घुमाना है। तो चलो अभी अप्लाई करते हैं इसमें सरफेस को, फर्स्ट सरफेस अप्लाई करते हैं। मैं जैसे कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है सरफेस आपको, एक जगह में नहीं मारना है, ऐसे ऐसे करते रहना। हल्का से एक कोट मार दिया, ठीक है इसमें। तो अभी ना इस सिल्वर क्रोम जो है, क्रोम को पेंट करते अभी। तो अभी हम लोगों ने एक कोट अप्लाई कर दिया इसमें, ठीक है, थोड़ा सूखने देता है, फिर और एक कोट अप्लाई करेंगे ताकि मतलब जितना भी स्क्रैचेस वगैरह जैसे सैंड पेपर्स हुए हैं वो सब मेकअप हो जाए। A few moments later. तो गाइस हम लोगों ने एक कोट अप्लाई किया था ना, पहला कोट ये सूख चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों का सूख चुका है। अभी जितना भी अभी बचा है ना, थोड़ा थोड़ा बचा है सरफेस के लिए, वो सब मैं मार के क्लियर करूँगा। जैसे थोड़ा थोड़ा ब्लैक बचा है यहाँ पे, इसे क्लियर कर दूँगा, मतलब टोटली पूरा एकदम सरफेस कर देता उसको। तो दोनों में प्रॉपर अप्लाई हो चुका है। इसको सूखने के बाद हम लोग इसमें दूसरा कुछ अप्लाई करेंगे, वो मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा देर सूखने देते। सूखा अभी सर्फेस है ना, सूख चुका है प्रॉपर, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी ना क्या करना पड़ेगा आपको, ब्लैक कलर जो है ना, एच ब्लैक, इसको मारना पड़ेगा, जिसका कोट नंबर है 30109, ठीक है। इसको आपको अप्लाई करना है और सेम इस तरह चेक करना है आपको। इस तरीके से आपको इसको ब्लैक कलर है, प्रॉपर ब्लैक कलर है, आप देख सकते हो ये ब्लैक। तो ये पूरा ब्लैक मैंने कर दिया, एक बार मैं इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ना अभी धूप जा रहा है, तो जल्दी जल्दी मैं इसको एक कोट में क्लियर कर लिया। अगर आप लोग देख लेना, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग होगा ना, तो आप लोग देख देख के करना कि अगर, और इसको ना थोड़ा सामने से अप्लाई मत करना, कम से कम आपको डेढ़ या एक फीट दूर से अप्लाई करना है। सामने से करोगे ना तो एक जगह में गिरेगा, तो ये क्या होगा ना, पानी की तरह बह बह के नीचे आ जाएगा। तो इसे दूर से अप्लाई करना है और हल्का हल्का अप्लाई करना है, एक बार ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, वो आपको वो चीज़ ख़राब हो जाएगा। धीरे धीरे अप्लाई करना, एकदम हल्का हल्का, जिसको सूखना देता है, बाकी का जो वो क्रोम वाला पार्ट है उसको मैं कर देता हूँ ब्लैक अब तक। तभी ये क्रोम वाला को भी और पीछे का बैक कवर को भी मैंने दोनों को ब्लैक कर दिया गाइस। तो चलो ये दोनों सूखने दिया, ये दोनों सूखने के बाद बाकी का काम है, जो मैं आपको ध्यान से समझाऊंगा। ऊपर से यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आगे का प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है, वो आप ध्यान से देखना समझना। तो सूखने के बाद ना ब्लैक जो कोट कर दिया सूख चुका है अभी। सूखने के बाद आपको जो फिल्म है ना, फिल्म जिसके बारे में बता दी, फिल्म जो पैकेट में था, ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर, इसका मतलब प्रोडक्ट कोड है WFP035, ठीक है। ये प्लास्टिक से निकाल लेना, क्योंकि इस तरह का होता है फिल्म लेने का। अगर आपका हाथ में, अगर आपका हाथ में पसीना आता है, ठीक है, या पानी होता है, तो उस वो पसीना का हाथ या पानी वाला हाथ से इसको मत छुओ, इसलिए मैंने ग्लव्स पहना, क्योंकि मेरे हाथ में पसीना आता है, यहाँ पे बहुत भयंकर गर्मी चल रहा है। तो पसीना अगर पानी वाला हाथ छुओ ना, इसमें ये चिपचिपा हो जाता है, मतलब इसमें पकड़ लेता है, इसलिए आप ग्लव्स पहने काम करो, इसका काम करना है ग्लव्स पहने करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिल्म ऑलरेडी मैं यूज़ किया था, एक टुकड़ा बचा हुआ है। तो अभी क्या करते हैं ना, इसका साइज़ का है ना, इसका साइज़ का हम लोग ये फिल्म निकाल लेंगे, साइज़ का मतलब इससे साइज़ का थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है, दिखा रहा हूँ आपको, देखो। इसको ना मैं इतना इतना जगह इधर एक्स्ट्रा रख के इसको कट करूँगा, इधर मैं इसको एक्स्ट्रा कट करूँगा, क्योंकि जब इसको हम लोग पानी में रखेगा ना, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा रोल हो जाता है, मुड़ जाता है, इसके लिए ना मतलब हम लोग को थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा कट करके रखना पड़ता है। तो चलो पहले इसको मैं कट कर लेता हूँ, इसका मतलब एक से साइज़ का निकाल लेता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से इसका एक पीस निकाल लेना, ठीक है। इसको अपना साइज़ में कट करने के बाद ना, आप साइड से ना, ये साइड से एंडिंग से हल्का हल्का ऐसे कट कर देना, ठीक है। इससे क्या होगा ना, ये मुड़े पूरा मुड़ेगा, नहीं तो क्या होगा ना, आप जब भी
इसको पानी में डालोगे ना ये पूरा राउंड हो जाएगा, नहीं तो फिर साइड साइड का कट कर देना आप लोग। इस वजह से काट लें, देखो अभी से रोल हो रहा है देखा, तो इसलिए इसको साइड साइड काटना पड़ता है, नहीं तो अगर बिना काटे डालोगे ना ये पूरा रोल हो जाएगा। तो कट करने के बाद ना, और इसका भी एक उल्टा साइड सीधा होता है, जो पानी का ऊपर नीचे होता है ना उल्टा सीधा होता है, जिससे राउंड हो रहा है ना पेपर, ठीक है, जिससे रोल हो रहा है पेपर वो पानी का मतलब पानी का अपोजिट साइड में रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। जिस साइड पेपर रोल हो रहा है वो पानी का ऊपर रहेगा, और जिससे रोल नहीं हो रहा है मतलब इस जैसे उल्टा साइड इसका पानी का नीचे तरफ होगा। चलो मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये कट करने के बाद आपको भरना है एक टब में पानी भरना है। तो ऐसा टब में आपको पूरा भर के पानी ले लेना है, ठीक है, पानी को एकदम स्टेबल रखना है, ज़्यादा हिल हिल नहीं। इसको पानी लेने के बाद आपको रखना है साथ में एक्टिवेटर, जिसका कोड था WF05, ठीक है, इसका कोड है। तो चलो अभी मैं दिखाता हूँ फिल्म ला के, फिर आपको धीरे धीरे क्या इसको फिल्म को पानी में रखना है। अभी ना गोल्ड गोल्ड हो जाएगी, आस्ते आस्ते खुलो ऐसे, चुप चुप। वैसे फिल्म को डालने के बाद ना आपको एक्टिवेटर अप्लाई करना है, तो एक्टिवेटर अप्लाई करने के बाद ना आपको धीरे धीरे इसको डिप करना, धीरे 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 करके डिप करना, इसको निकालना नहीं है साथ साथ, अंदर का ऊपर का जितना लेयर उसको हटा लेना है। निकालने के बाद देख सकते हो आप लोग जैसा है, अभी ना इसको पानी से अच्छे से धोना है, तब इसको ना पूरा अच्छे से धोना है, इसको मतलब धीरे 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 धोना है इसको, मैं बता रहा हूँ कैसे। जो एक्टिवेटर है ना, इस एक्टिवेटर यहाँ पे लग जाता है, इसके लिए उसको हम लोग का हल्का सा ऐसे से पानी देके ऐसे धीरे धीरे पोंछना पड़ता है। इसके बाद ऊपर का एक्टिवेटर का एक पिस्ता जो पिस्ता हल्का चिपला चिपला चीज़ रहता है तो निकल जाता है एकदम धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते, ज़्यादा जोर से ही नहीं घिसता है, तो इसका जो पेंट है ना जो फिल्म है उठ जाएगा। या फिर हम आप लोग नल से पानी भी छोड़ सकते हो, पूरा पानी छोड़ के ऐसे 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 पानी से भिगा सकते हो, झाग हो रहा है, ठीक है, ये एक्टिवेटर का वो कुछ केमिकल होता है जिससे झाग हो रहा है। तो अब इसको धोते होते ना स्टार्टिंग में ना आपको ऐसे ऐसे पानी उठाना है, ऐसे करके हल्का से लेप मतलब एकदम स्मूथली इसको वो करना, रफ करना, ठीक है। तो एक्टिवेटर का लेयर है ना, एक्टिवेटर का एक लेयर है ना वो मतलब थोड़ा चिपचिपा सा चीज़ होता है, प्रोडक्ट होता है, तो उसको ना धीरे धीरे करके इस तरह से पानी लेके ऐसे करके इसको हिला पिला के बता इस तरह से आपको निकालना, उसको धीरे 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 करके पूरा, जब ये पूरा जब वो हो जाएगा ना साफ़ हो जाएगा अच्छे से, तो आपको थोड़ा रफ होगा ये, इस तरह से आपको धीरे धीरे करना है, ठीक है, ये चीज़ मेन है। अगर इसमें जब फिल्म में आप ऐसे पानी में डिप करते हो ना, डिप करने का टाइम अगर आपको पेपर में थोड़ा ही प्रॉब्लम आता ना, तो ये फिल्म पूरा ख़राब हो जाता है, ये जितना मैं काट के निकालता हूँ वो फिल्म प्रॉपर ख़राब हो जाता है। ये चीज़ों की वजह से ना मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग, अगर सीखना चाहते तो करो, नहीं तो मत करो, वेस्ट ऑफ मनी होगा। मैं सीखना चाहता था इसलिए मैंने ट्राई किया, और फाइनली मैं बहुत कोशिश करने के बाद हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हो ये पूरा हो चुका है, अभी लास्ट फिनिशिंग बाकी, इसमें क्लियर कट मारना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ना ये पानी निकालने तक इसको छोड़ देता है सूखने के लिए, उसका बाद जब तक पानी सूखता है तब तक इसका जो हेडलाइट का जो क्रोम वाला था ना उसको भी कर लेते हैं हम लोग। बहुत कोई देख के सोचता है ये पेपर है, बहुत किसी को लगता है पेपर भी इस तरह का आता है, बट आज ये पेपर नहीं, इसको हाइड्रो डिपिंग बोला जाता है, जो कि बहुत कॉस्टली आता है और महंगा होता है ये। तो अभी करेंगे ये हेडलाइट का जो वाइजर था ना साइड का, ये क्रोम वाला, इसको ब्लैक कर दिया, अभी इसको करते हैं। अब देखना किस तरह से कर रहा हूँ, पहले क्या करना है, फिल्म को डालना है ना, इस तरह से फिल्म को डालना है, पहले रोल देंगे ना, तो इस तरह से फिल्म को डालना है, ठीक है।
लगा, चलो चलो साइड को वो ना साइड है जैसे ये सिरे तो होने के बाद आप देख सकते हो कुछ ऐसा है। तभी मैं जाके फिर से इसको पानी से क्लीन कर लेता हूँ। तो बस ये वो चीज़ है ना, जब हम लोग फिल्म डाल के एक्टिवेटर अप्लाई करके जब इसको डालते हैं ना, तो उसमें थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है ना, फिल्म पूरा एक्टिवेट होकर ना पूरा स्प्रेड हो, चारों तरफ स्प्रेड हो जाता है, जिसके चलते ना मतलब पेपर ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो मैं ये चीज़ आपको इसलिए स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा क्यों किया मैंने। एंड होने के बाद जैसे मैं बोला था, इसका अंदर एक अजीब टाइप का लिक्विड चिपचिपाहट पदार्थ होता है, तो इसको हटाना पड़ता है उसको धीरे धीरे ऐसे पानी से। हाथ में पानी लेना है, उसको डालना है, फिर ऐसे अप्लाई करना है, ऐसे ऐसे पानी लेके ऐसे अप्लाई धीरे से एकदम स्मूथली, जोर से नहीं घिसना है गाइस, बराबर में जोर से घिसोगे तो उसके ऊपर का है ना वो जो है अभी वो अच्छे से पकड़ा नहीं है, वो चला जाए जो फ्लेम है। तो ये भी हो चुका है प्रॉपर, आप देख सकते हो कभी साइड से कोई कमी नहीं है। बहुत ही बढ़िया हुआ है, काफ़ी शानदार। तो इसको भी मैं सूखने के लिए छोड़ दूंगा, होप करता हूं आपको समझ में आ गया कैसे करना है। तो चलो इसको पहले मैं सूखने के लिए टांग देता हूं। तो अभी आप देख सकते हो ये पीछे का पैनल थोड़ा फीका फीका मतलब फेड फेड लग रहा है, ठीक है, अभी शाइनिंग नहीं आया। जब मैं इसमें क्लियर कोट अप्लाई करूँगा ना, तब जाके से शाइनिंग मज़ा से आएगा। जैसे ये सूख रहा है, तब तक इसको ना मैं हीट गन से सुखा के इसको मैं क्लियर कोट अप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। चलो सुखा दिया, इसको हीट मार के मैंने सुखा दिया, जितना पानी था ना सब सूख गया इसका, प्रॉपर ड्राई है, ठीक है। अभी क्या करते हैं ना, ये जो क्लियर कोट है K1K, ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे हम लोग। अभी क्लियर कोट है ये फिनिशिंग मतलब सब होने के बाद लास्ट में इसको लेमिनेशन टाइप एज अ मतलब इसमें क्या होता है ना, एक फिल्म एक तरह से प्रोडक्शन हो जाता है, इसके ऊपर एक लेयर बैठ जाता है जिसमें इस एक प्रोडक्शन मिलता है इसको, ठीक है। तो इसको चेक कर लेना एंड फिर इसको अप्लाई करना है धीरे धीरे। तो हो चुका है इसमें क्लियर कोट अप्लाई, तो अभी आप शाइनिंग देख सकते हो, इसमें बहुत खूबसूरत शाइनिंग आ रहा है। तो अब इसको भी मैं क्लियर कोट से इसका भी कहानी ख़त्म कर देता। सो ये भी क्लियर हो चुका है, क्लियर कोट से अप्लाई कर दिया। क्लियर कोट जब भी अप्लाई करते हो ना, कोई बंद कमरे में या फिर कोई शांत जगह में जहाँ पे धूल मिट्टी ना आए, वैसे जगह पे अप्लाई कर रहा है, क्योंकि क्लियर कोट में ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी एब्जॉर्ब होता है, मतलब बहुत जल्दी इसमें लग जाता है। इसमें ये चीज़ संभाल कर रहना आप लोग, ए टू जेड प्रोसेस में डिटेल में बताया आप लोगों को। जब तक ये सूखता है तब तक मैं बाकी का जितना भी काम है गाड़ी का कर लेता हूँ एंड फिर मैं इसको लगा के दिखाऊंगा आपको गाड़ी में कैसा लग रहा है। तो गाइस अभी देख सकते हो यार, ये क्लियर कोट भी सूख चुका है, तो क्या चमक चमक दे रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अरे जब बैक में लग जाए गाड़ी का, इसका पीछे जब लग जाएगा तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो चलो अभी बिना टाइम वेस्ट किए इसको अपना वाइजर में लगा के फिर लास्ट फिनिशिंग में गाड़ी में लगाने वाला लुक कैसा दिख रहा है बता रहा हूँ। तो गाइस हमने अपनी गाड़ियों में अपनी ये सब लगा दिया कान फेयर वाला, बाकी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्या बताओ। और आगे वाला तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और पीछे का देख के मैं बताता हूँ, हाँ पीछे वाला भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलो मैं इसको नज़दीक से दिखाता हूँ आपको एक बार। तो गाइस कुछ इस प्रोडक्ट से आप लोग जो मैं दिखाया था, चार आपको कैन लेना पड़ेगा, सरफेस ब्लैक क्लियर और एक्टिवेटर, ये चार कैन लेना। और आपको लेना फिल्म जो कि जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन रहेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, अगर लोकल में कहीं पे आपको समोरा कहीं पे ऑप्शन है तो वहाँ से ले सकते हो। अगर वहाँ पर भी ऑप्शन नहीं है, अगर मेरे से चाहिए होता मैं भी ये प्रोडक्ट आपको दे सकता हूँ,
तो हो जाएगा। और अगर आपको पेंट करके चाहिए वो भी हो जाएगा, जैसा टाइप का चाहिए आपको। तो होप करता हूँ आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, कैसे मैंने किया क्या, कैसे नहीं किया, क्या क्या पार्ट का, कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो भी जैसे अप्लाई किया मैंने, आपको समझ सब कुछ समझ में आएगा। होप करता हूँ अगर समझ भी आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इंस्टाग्राम में DM करना, तो मैं थोड़ा सा अगर सकूँगा तो अच्छे से समझा दूँगा। और मेरा ख्याल से वीडियो में देखा जाए समझ जाओगे, फिर भी अगर नहीं समझते तो इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। और ये सब चीज़ है ना, सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम में अपलोड करता हूँ, तो जरूर से इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना नए नए अपलोड या रील्स देखने के लिए। तो होप करता हूँ ये आइडिया आप लोग अच्छा होगा, जो चीज़ यूट्यूब में अभी तक कोई नहीं डाला है मैं आपको बता दिया है, वो भी हिंदी में, आप होप करता आप लोग समझ में आ गया। तो चलो मिलेंगे ऐसे कुछ कंटेंट के साथ, अगर आपके पास आइडिया छोटा मोटा मेरे पास शेयर करो, मैं उसमें वीडियो लाने की कोशिश करूँगा डिफरेंट कुछ, अगर ज़्यादा होगा नहीं सकूँगा, बट अगर मैं मुझसे सका मुझसे हो पाया तो मैं कर दूँगा। चलो मिलेंगे इसी तरह कुछ कंटेंट के साथ, और होप करता आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, दिल से बोल रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत तकलीफ होता है लाइफ में, चलो सपोर्ट करना। तो मिलेंगे ऐसे किसी कंटेंट के साथ, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे जल्दी वीडियो में, जल्दी वापस अभी के लिए बाय बाय। We are